हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। आज बसंत पंचमी का दिन है और यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चैनल के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी बताया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, वह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और जो भी चैनल में आप लोगों को बताया जाएगा, वह आज का दिन के लिए धमाल मचाने वाला है। तो सबसे पहले आप दिल से सरस्वती जी का नाम लीजिए। देखिए, मेरे चैनल बनाने का या मेरा जो भी उद्देश्य है पढ़ाने का, देखिए मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 999 का या 9999 का कोर्स चलाना है या किसी वैकेंसी को लेकर के, लेकिन मैं ऐसा नहीं कुछ करूँगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है आप लोगों के माध्यम से कि जो भी मेरे चैनल पे पढ़ाया जाता है वो बहुत ही शानदार पढ़ाया जाता है और मेरे माध्यम से पढ़ाया जाता है। मैं वनली वन एक या दो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो अगर आप लोगों को रुचिकर लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। और कुछ वीडियोस होंगे वहाँ पे आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। मेन उद्देश्य यह होता है कि देखिए, मेरे पास न तो डिजिटल बोर्ड है और न तो अन्य प्रकार की सुविधाएँ हैं, लेकिन आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो मैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ले जाऊँगा। और यह आप लोगों को बिल्कुल फ्री क्लास होने वाली है। मैं आने वाले समय में देखिएगा, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक यह वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो होगा और यह हमेशा के लिए फ्री चैनल होगा। इसमें ना तो आप लोगों को 9 रुपये का या 9 पैसे का 9999 का कोर्स कुछ भी नहीं चलाना। मैं जो भी पढ़ाऊंगा, देखिए कभी कल क्या होता है, बच्चे के समझ में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा और लेवल के हिसाब से पढ़ाता चलूंगा। तो इसमें टॉपिक वाइज चलता रहेगा मेरा चैनल। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी काल क्या बच्चा होता है, जैसे हर बच्चे तो जीनियस नहीं होते हैं और न ही हर बच्चे का दिमाग बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आप लोगों को कुछ न कुछ उदाहरण के तौर पे कुछ बच्चे दिख जाएंगे आसपास परिवेश में या समाज में आप लोगों को देखने का मिलेगा। तो इसमें मुझे ज़्यादा तेज बच्चों से मतलब नहीं है, मुझे उस बच्चे से मतलब है जो मीडियम वर्ग से आता है, काफ़ी गरीब घर का है और उसके पास न तो कोई साधन है पढ़ने का। और सिंपली तौर पे अगर आप लोगों को देखना है तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि आजकल के आर्थिक दौर में अगर मोबाइल नहीं है, संसाधन नहीं है, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी सी क्लास मेरी अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, और देखिए आज का दिन लाइव आने का मतलब सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जो भी क्लास लेता हूँ वह फ्री रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से चलाऊंगा। अगर भविष्य में मुझे लाइव क्लास भी आना होगा तो मैं संदेश लेकर आऊंगा और जो भी मैं वीडियो डालूंगा वह रिकॉर्डेड माध्यम से डालता जाऊंगा, ताकि इसमें आप लोगों का समय नष्ट न हो। और जो मैं पढ़ाता जाऊँ उसका आप नोट्स एक बनाते चलिए। मेरा वादा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं हर टीचर से हर प्रकार से अच्छा हूँ, या कोई भी टीचर पढ़ाता है वो बहुत हाई लेवल तक पढ़ाता है, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी बच्चा मेरे माध्यम से जुड़ा रहेगा, मैं पक्का लिख करके देता हूँ 100 में कम से कम 80 प्रश्न तो सही करके आएगा। अगर बाई कभी मैं ये चैलेंज करता हूँ, लेकिन आप लोगों को विश्वास होगा नहीं। सिर्फ एक बार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और हमेशा के लिए जो भी वीडियो मैं रिकॉर्डेड डालूंगा वो आप लोगों के माध्यम से डालूंगा। देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, MTS का एग्जाम है, और आप लोग हर प्रकार के एग्जाम दिए होंगे। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं देते होंगे, हर प्रकार का एग्जाम देते होंगे। उसमें सबसे कठिन बच्चों को क्या लगता है, मैथ। और मैं वही क्लास लेने वाला हूँ और जो भी मैं सिखाऊंगा वह आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। इसमें आप लोगों को 0 लेवल से कोई भी फीस अदा नहीं करनी है, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। बाकी प्रयास तो मैं करूंगा, और जो मैं पढ़ाता जाऊं उसका आप एक नोट्स बनाते चाहिएगा। मेरी क्लास कम से कम 10 से 15 मिनट या हाई से 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट का क्लास होगा, इससे ऊपर नहीं होगा भाई। अगर आप लोगों के पास डेली समय है तो आप लोग मेरा एक वीडियो जरूर जाके पीछे देखिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से
रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए अभी उतना तक लाइटिंग प्रॉब्लम है मेरे पास। देखिए शिक्षा तो कहीं भी अर्जित की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह आप लोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से तैयारी करते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं मांगता हूँ। देखिए नेट पे अगर आप लोग फालतू चीज़ें देखते हैं तो प्लीज़ उसको बायकॉट कीजिए, अगर भविष्य सुधारना चाहते हैं। मैं जीनियस बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लोग लो बच्चा है मैथ पढ़ने में या रीजनिंग पढ़ने में, वो मेरी क्लास को अटेंड करें। इसमें आप लोगों को जरूर ना जरूर कुछ सीखने को मिलेगा भाई। अगर आप मुझे अपना मित्र मानते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं सीख लूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँगा तो मेरा ही भविष्य अच्छा हो। देखिए आप लोग सोचिए, जिस वर्ग से आते हैं आप लोग, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग गरीब हैं या बहुत ही अच्छे घर के हैं, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य बनता है भाई कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक बढ़ाएं। देखिए मेरा जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है वो बुरा कभी नहीं मानेगा। लाइक कमेंट करना आपके ऊपर है, वो तो आप डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर आपके माध्यम से किसी बच्चे का जीवन सफल हो रहा है तो उसमें आप पीछे मत हटिए। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरी बात है कि चैनल को शेयर जरूर कीजिए। और मेरा वीडियो बनाने का मतलब यह उद्देश्य है कि मैं गरीब बच्चों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, मेरा कमाई से कोई तात्पर्य नहीं है, यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे माध्यम से कुछ सीखना है तो आप जाकर के सीख सकते हैं। मेरा कुछ वीडियो लास्ट में पड़ा हुआ है तो उसमें से थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है, और जो पढ़ाने का तरीका वो मेरा बहुत ही बेसिक लेवल से। अगर एक बार आप सीखना, अगर मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं तो आप लोगों को जरूर ना जरूर कुछ, यह मान के चलिए 100% में 80% आप लोगों को सीख जाएंगे। और दूसरी बात याद करेंगे, अगर दूसरी बार वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाएगा। तो यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरा लाइव आने का मतलब यही प्रोसेस है। हाँ सॉरी, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, कारण उसमें क्या था, मैं कुछ प्रॉब्लम में था। लेकिन अगर आप लोग मुझसे जुड़ गए तो यह चैनल बहुत ही ऊपर तक जाने वाला है, और गरीब बच्चों के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेगा और हमेशा तक कार्य करता रहेगा। अब वीडियो देखना कभी मत भूलिए, आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए। अगर आप लोगों के अंदर कर्तव्य निष्ठा होगी या शिक्षा के प्रति या सरस्वती जी के प्रति आप लोगों को भविष्य में नौकरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैं वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो ही डालूंगा, और हर लेवल के माध्यम से यानी जीरो से स्टार्ट करूंगा, लास्ट तक जरूर जाऊंगा। मेरा यह कारण नहीं है कि बच्चे को काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखाएं और सामने से निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी कीमत होती है उन लोगों की। अगर आप लोगों के पास टाइम का मैनेजमेंट है तो आप लोग हर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए मैथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसको सीखने का तरीका चाहिए और जुनून चाहिए। सब लोग कहते हैं कि वो टॉप कर लिया बंदा या कुछ भी कर लिया, आप लोग मान लेते हैं कि वो बहुत जीनियस था या बहुत ही माइंडेड था, ऐसा कुछ नहीं। उनका रूटीन था डेली का। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी चैनल देखें तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फटाक से जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आप लोगों के माध्यम से चंद मिनटों में पहुंच जाता है या चंद सेकंडों में। और शेयर करने से दूसरी भलाई क्या है कि आप अपना कर्तव्य भी कर रहे हैं और दूसरों की सफलता में मदद भी कर रहे हैं। तो प्लीज मेरे भाई या मेरे मित्र, जो भी आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। जब तक देखिए लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक कोई लेक्चर अगर बीच में छोड़ के जाते हैं या स्किप करके जाते हैं तो उसमें आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आने वाला। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आप कितने बड़े जीनियस रहे लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य रखना।
अगर आप संघर्ष करना जानते हैं तो धैर्य रखना भी सीखिए। और ये सरस्वती जी का वरदान होता है, जो संघर्ष और धैर्य से ईमानदारी से तैयारी करता है वो किसी भी जगह से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में होने वाले समस्याओं को चुनौती दे सकता है।